हाय एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी बोरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इट्स अबाउट माय जर्नी। बहुत लोगों ने पूछा है मुझे कि वैष्णवी आप इतने फिट हो एंड यू आर अ मदर एंड आपकी जो फिजिक है वो एथलेटिक फिजिक है, वो कैसे आपने मेंटेन किया, कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मेरी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स काफ़ी बार अपलोड की है एंड काफ़ी मदर्स है जो न्यू मॉम्स है उनको वो पिक्चर्स देख के लगता है कि अगर वैष्णवी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सो मैंने ये कैसे शुरुआत किया, क्या क्या मैंने किस टाइप की डाइट फॉलो की, किस टाइप का मैंने वर्कआउट किया, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जितनी भी न्यू मॉम्स है एंड वुड बी मॉम्स है जो मदर्स बनने वाली हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा कि आफ्टर डिलीवरी हमें किस टाइप की डाइट फॉलो करनी चाहिए, किस टाइप का वर्कआउट शुरू करना चाहिए, सो दैट हम स्लोली एंड ग्रेजुअली शेप में आ सकें। एंड फिट रहना, अपने आप को मिरर में देखना, एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। एंड डेफिनेटली जब हम कपड़े पहनते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि यार काश मैं भी ऐसे कपड़े पहन पाती, सो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो ही जाती है। सो कोई बात नहीं, कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं आज सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। एंड जब आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना शुरू करोगे, आप इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करोगे, आपकी बॉडी में भी चेंजेस आएगा एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। सो मैंने जब अपनी फिटनेस की जर्नी शुरू की थी तब मैं ये थी और आज 10 साल बाद मैं ये हूँ। सो ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन में 10 साल नहीं लगे हैं, बट हाँ, कंसिस्टेंट एफर्ट्स, आपकी रेगुलर रूटीन में जो आप नॉर्मल खाना खाते हो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस स्टार्टिंग में मैंने किए थे। मैं बिल्कुल ही क्रैश डाइट नहीं फॉलो की है, ना मैं कभी फॉलो करती हूँ, ना मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको मैं कभी भी क्रैश डाइट नहीं देती हूँ। सो जो भी लाइफस्टाइल हम रेगुलर रूटीन में जो खाते हैं उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने, वो मैं आगे पूरी वीडियो आपने देखनी पड़ेगी क्योंकि सारे टॉपिक्स मैं आपको बताऊँगी। तो हम बात करते हैं कि मैंने जब शुरू की थी ये जर्नी, तो डेफिनेटली आप मदर हो, आप किसी की बहू हो, आपको जाना पड़ता है, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफ़िल करनी पड़ती है, कोई फंक्शन में जाना पड़ता है, डेफिनेटली आपको स्ट्रेस होता है कि यार मेरी डाइट का क्या होगा, मैं कैसे फॉलो करूँगी, अब मैंने जितनी भी मेहनत की है सब वेस्ट। सो ये गलत है, ये इस टाइप का स्ट्रेस लेके आप और वेट गेन कर लेते हो। सो जो भी आपके पास फूड अवेलेबिलिटी है, अगर आप कहीं जा रहे हो इन-लॉज के यहाँ या कोई सोशल फंक्शन में जा रहे हो, तो आपको पता है आपको कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं खानी है। सबसे पहले फ्राइड नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, मैदा नहीं खाना है। उसके अलावा जितनी भी ऑप्शंस है उसमें थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लो। अगर चपाती है, अगर मैदे वाली चपाती है, तो आपने वो नहीं खानी है। रादर देन हैविंग चपाती, आप राइस खा लो, थोड़ी सी दाल ले लो, सैलेड ले लो। सो ये सारा कुछ हमारे ऊपर है कि हमने कौन सा फूड खाना है, कौन सा नहीं खाना है। सो ऐसे ही मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए अपनी लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन में, एंड मुझे प्रोग्रेस दिखने लगी। और जब आपको प्रोग्रेस दिखती है, आपको रिजल्ट आता है, तो आपको अपने आप से मोटिवेशन होती है कि यार मैं इतने से एफर्ट्स कर रही हूँ, मुझे रिजल्ट आ रहा है, तो मैं और क्यों ना करूँ। सो ये आपको एक पुश मिलता है जब आपको, अगर आगे जाना है कंसिस्टेंटली, आपका एक गोल है कि मुझे ये फिज़िक अपना अचीव करना है, ये मेरा गोल है कि मुझे ऐसे फिज़िक चाहिए, तो उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स बहुत ज़रूरी है। एंड आपका माइंडसेट कि यार जो मर्ज़ी हो जाए, जैसी मर्ज़ी सिचुएशन आ जाए, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपना 100% दूंगी, मैं डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, मैं वर्कआउट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगी, बट हाँ कहीं बाहर जाते हैं तो मुझे पता है कि मुझे पोर्शन कंट्रोल करना है, मुझे मैदा नहीं खाना है, मुझे शुगर नहीं खाना है, मुझे प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। सो ये चीज़ों का मैंने अच्छे से ध्यान रखा था जब अपनी शुरू की थी जर्नी, एंड अच्छे से रिजल्ट
भी मिलना शुरू हुआ था। सो बात करते हैं वर्कआउट की, कि डिलीवरी के कितने टाइम के बाद हमें एक्सरसाइज अपनी शुरू करनी चाहिए और किस टाइप का वर्कआउट हमें करना चाहिए और हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए या बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। सो नॉर्मली अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है, आप 3 to 4 months के बाद आप शुरू कर सकते हो अपनी लाइट एक्सरसाइज के साथ। बट अगर आपको कोई इंजरी है या आपको कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है, देन बिफोर स्टार्टिंग योर फिटनेस रूटीन, बिफोर स्टार्टिंग योर वर्कआउट रूटीन, आई थिंक आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सो चलिए मैं दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी जब जर्नी शुरू की थी तो मैंने किस टाइप का वर्कआउट किया था। सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर द न्यू मॉम्स ऑल्सो, कि और जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू करनी है, जिन्होंने कभी वर्कआउट ही नहीं किया है, वो किस टाइप के वर्कआउट के साथ शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो मैंने ये एक्सरसाइज, ये रूटीन को फॉलो किया था, एंड साथ में मैंने वॉक भी इंक्लूड की थी। मॉर्निंग वॉक 15 to 20 minutes एंड शाम को भी 15-20 minutes विवान को प्रेम में बिठा के मैं वॉक पे चली जाती थी। सो इस बहाने उसका भी आउटिंग हो जाती थी और मेरी वॉक हो जाती थी। सो ऐसे मैंने शुरू किया था। मैंने एक्सट्रीम पुश नहीं किया था, किसी दिन नहीं भी कर पाती थी, बट मैं अपनी डाइट में मैनेज कर लेती थी कि यार चल मेरी एटलीस्ट डाइट तो ठीक है। सो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपका 2-3 दिन लगातार वर्कआउट नहीं हुआ, दैट्स ओके, जस्ट मेंटेन योर डाइट, मेंटेन योर कैलोरीज। डाइट में भी मैंने जैसे बताया कि एक्सट्रीम नहीं करना। मैं उस टॉपिक पे भी आऊँगी कि कैसे मैंने चेंजेस किए थे अपनी लाइफस्टाइल में, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट ना। आप बेबी को फीड भी करवा रहे हो, आप वर्कआउट भी कर रहे हो, अगर आप डाइट करोगे देन फिर वो बेबी आ जाता है इनफैक्ट। सो इसी वजह से मैंने थोड़े बहुत चेंजेस करके एंड लाइट एक्सरसाइज मैंने फॉलो की थी, एंड उसके आई थिंक मैंने 6 months घर पर ही वर्कआउट किया था। उसके बाद मैंने जिम ज्वाइन किया था जब मुझे लगा कि हाँ अब मैंने स्ट्रेंथ अपनी डेवलप की है। सो आई विल स्टार्ट विथ नाउ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सो बात करते हैं डाइट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत मुश्किल भी है कई लोगों के लिए, बट सच में कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में कर दो ना तो बहुत इजी हो जाएगा और आप इस जर्नी को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि मैंने 3 महीने के लिए किया, 2 महीने के लिए किया, अब मैं फिट हो गई हूँ, अब तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ। ऐसे कभी भी नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज 3 महीने के बाद आप फिट हो गए, उसके बाद अगर आप जो एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी में जा रही है ना, किसी और की बॉडी में तो जा ही नहीं रही है। सो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि इट्स अ जर्नी। मतलब अगर आप फिट भी हो गए देन ऑल्सो यू नीड टू मेंटेन दिस, यू नो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी इसको आप लाइफ लॉन्ग आप फिट रह सकते हो एंड आप इंजॉय भी कर सकते हो इस जर्नी को। सो मैं बताने जा रही हूँ कि मैंने डाइट कब शुरू की थी और क्या क्या चेंजेस किए थे डाइट में। सो मैंने एग्जैक्ट 4 months के बाद अपनी ये जर्नी शुरू की थी, जिसमें मैंने डाइट में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे। मैंने मैदा हटा दिया था, मैंने शुगर हटा दी थी, मैंने प्रोसेस फूड, जितने भी पैकेट वाले फूड होते हैं ना, वो मैंने बिल्कुल बंद कर दिए थे, क्योंकि जब भी कोई चिप्स है या कोई भी जहाँ पैकेट ओपन करना है वो चीज़ अनहेल्दी है, ये प्लीज़ माइंड में फिक्स कर लेना।
सो एंड मैंने इंक्लूड किए थे फ्रूट्स, वेजीज, मैंने होल फूड, मैंने प्रोटीन इंक्लूड किया था, मैंने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड किए थे. तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था. डेफिनेटली स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बट जैसे मुझे रिज़ल्ट मिलने लग गया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने ये थोड़े बहुत चेंजेस किए, उसमें मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है, देन वाई नॉट, मैं आगे क्यों कंटिन्यू ना करूँ. सो ऑब्वियसली आप लोगों की तरह भी मैं भी परौंठे खाती थी पहले, भर भर के घी डाल के, मक्खन डाल के, बट मुझे पता लग गया कि ये चीज़ें अब मुझे बंद करनी पड़ेगी. तो शुरू में डिफ़िकल्ट था, बट मैंने क्या किया, उसमें क्या चेंजेस किए, मैंने नॉर्मल आटे की जगह मल्टीग्रेन आटा, नॉट रेडीमेड वाला, मैं खुद उसको चक्की पे जाके पिसवाती थी. आई नो इट्स यू नो साउंड्स थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि यार ये भी करती थी, हाँ मैंने किया है. सो मक्की ले ली, देन आप मूंग दाल ले लिया है ना, सो सोया, बाजरा, ज्वार, ये सब कुछ मिक्स करके मैंने आटा पिसवाती थी. एंड उसमें स्टफ़, अगर आपने आलू की परौंठी खानी है, आप गोभी की परौंठी खानी है, सो आप प्रॉपर स्टफ़ करके उसको बना सकते हो, बट उसमें घी एक्सेस में जब आप कुक करते हो तब घी ऐड नहीं करना है. नॉर्मल चपाती की तरह उसको बनाना है, और उसके बाद जब बन जाता है देन यू कैन ऐड 1 स्पून ऑफ देसी घी, एंड इट्स रियली रियली गुड. सो यू कैन हैव इट विथ कर्ड. मैंने फ्रूट्स काफ़ी सारे इंक्लूड किए थे अपनी डाइट में. फ्रूट्स भी मैंने सर्टन, यू नो आपको टाइमिंग्स होता है कि रात को ऑब्वियसली नहीं खाना चाहिए. पपाया इज़ गुड, वाटरमेलन, सीजनल ऑल फ्रूट्स यू कैन हैव. प्लस मैंने वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस ऐड किए थे. बेसिकली इट्स अ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, राइट, मैंने वीट पास्ता ऐड किया था, मैंने प्रोटीन काफ़ी सारा ऐड किया था जिसमें चिकन, एग्स, टोफू, टिल्स काफ़ी ऐड किए थे, सो वेजेस भी, सैलड भी. सो ये सारी चीज़ें ऐड करके मैंने लाइफस्टाइल में थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, एंड मेरी जर्नी अच्छे से शुरू हुई थी क्योंकि मैंने स्ट्रेस नहीं लिया था. अगर मैं स्ट्रेस लेती कि यार ये क्या है, मुझे ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, बट मैंने अंडरस्टैंड किया कि मेरी बॉडी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या न्यूट्रिएंट्स मेरी बॉडी को चाहिए जो कि मेरे बच्चे को भी हेल्प करेगा, मुझे भी हेल्प करेगा. सो ये जब नॉलेज हुई देन मैंने ये शुरू किया, एंड ये चल रहा है अभी तक. सो ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं खा सकते हो बाहर का, या आपको खाना ही नहीं चाहिए. आप खा सकते हो वंस इन अ वाइल. अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो एक छोटा सा सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. ये मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वैष्णवी हमने कभी वर्कआउट नहीं किया, कभी डाइट नहीं की है, बट अब मुझे करना है, बट डाइट की जब बात आती है ना, बस मेरा मुझसे नहीं होता है. तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है कि आपने क्या करना है, आपने 1 वीक का गोल रखना है, मंडे टू सैटरडे का, कि मंडे टू सैटरडे मैं अच्छे से फॉलो करूंगी सब कुछ, कुछ बाहर का नहीं खाऊंगी, कोई चीट मील नहीं करूंगी, कोई शुगर नहीं, कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि मैं संडे का वेट करूंगी. संडे को आई कैन हैव वॉट एवर आई वॉन्ट टू हैव, बट दैट टू इन पोर्शन कंट्रोल. आपको सब कुछ संडे को खाना है, डजेंट मीन कि आप सुबह से शाम तक आप बाहर का खाओगे, अदरवाइज तो फिर वो सारे 1 वीक की मेहनत आपकी ज़ीरो है. तो संडे को आप एक चीट मील ले सकते हो, चाहे मॉर्निंग में चाहे आफ्टरनून में, एंड यू कैन हैव वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव, बट दैट टू पोर्शन कंट्रोल करके खाना है. ऐसा नहीं है कि पूरा पेट भर के खा लेना है. सो ऐसे 1 वीक का गोल रखोगे, देन ओनली यू नो आपको एक मोटिवेशन भी रहेगी कि यार मुझे मंडे टू सैटरडे करना है. क्यों? क्योंकि मुझे संडे को कुछ खाने को मिलेगा. सो ऐसे आप शुरू कर सकते हैं, जिनको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी लगती है कि यार मेरे से नहीं होगा. सो ऐसे 6 मंथ मैंने घर पे वर्कआउट किया, ये इस टाइप की डाइट फॉलो की थी, एंड मुझे अच्छे रिजल्ट मिले. देन मुझे लगा, आई वॉज़ वर्किंग विद MNC, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, TCS में मैंने जॉब छोड़ दी थी, एंड मुझे कभी पता नहीं था कि मैं अपना प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि मैंने जब ये स्टार्ट किया था वो अपने लिए किया था, बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम पोस्टमार्टम डिप्रेशन. मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जो अपने इंडिया में नॉर्मल है, सबको होता है, बट मुझे कुछ ज़्यादा ही हिट हो गया था. सो तभी मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया, एंड देन मैंने सर्टिफिकेशन किया ISSA ईसा से, एंड मैंने हर टाइप की डाइट, वर्कआउट सब कुछ फॉलो करना शुरू कर दिया. एंड उसके बाद मैंने ट्रेनिंग लेने शुरू कर दी. 1-to-1 में फीमेल्स को ट्रेनिंग देती थी.
एंड अभी भी दे रही हूँ, मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी हैं। एंड अगर आपको मेरे प्रोग्राम्स में इनरोल करना है, आपको भी मेरे जैसे फिजिक चाहिए, आपको भी मेरे जैसे फिट होना है एंड हॉट लगना है, सो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पर मैंशन कर रही हूँ, मेरी वेबसाइट भी मैंशन कर रही हूँ, और मेरा ईमेल आई डी भी मैं मैंशन कर रही हूँ। सो उसके बाद जब आप एनरोल करोगे, मेरे साथ डायरेक्टली इन टच में आ जाओगे एंड आई गाइड यू, एंड आपके फिटनेस जर्नी में मैं 100% आपको हेल्प करूंगी। एक होता है फिट रहना और एक होता है कि ऐसी एथलेटिक फिजिक को अचीव करना। अगर आपका भी गोल है कि मुझे भी लीन मसल्स डेवलप करने हैं, मुझे भी स्ट्रांग चाहिए, मुझे भी वैष्णवी के जैसे मसल्स बनाने हैं, सो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मैं उस चीज़ पे वीडियो भी नेक्स्ट बनाऊंगी। एंड कोई भी कंटेंट आइडियाज़ हैं, या अगर ये रूटीन आप फॉलो करते हो, वर्कआउट आप फॉलो करते हो, और आपको लगता है कि यार मुझे ये डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, तो प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, सो दैट मैं इस चीज़ पर काम करूँगी और नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पर बनाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। Stay fit, stay healthy.